हेलो स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि जो स्लाइसिंग का कॉन्प्ट है उसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या है और हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे जिसमें मैंने मोस्ट ऑफ़ द वर्क जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में किया हुआ है ना अब हम इस वीडियो में और कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों करेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे है ना सो लेट बी टेक सम मोर एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग uh, लेता हूँ जो स्ट्रिंग है हमारे पास दैट इज बेसिकली ए बी सी डी यू कैन सी ओवर द स्ट्रिंग दिस इज द स्क्रीन दैट दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी है ना तो हम इसका इसको बनाने के पहले हम यहां पर इसको कंप्लीटली लिखते हैं इंडेक्सिंग तो को भी समझ पाएंगे और हमारे आउटपुट्स को भी समझ पाएंगे दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड फाइनली जे So if we move in the forward direction, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. If I move in the negative direction, so that is a minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, and minus 2. सो यू कैन सी द इंडेक्सिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन अब हम इन सारे के सारे एग्जाम्पल्स के आउटपुट्स पर बात करेंगे तो लेट बी स्टार्ट यहाँ पर देखिए मिनट में इसको रिमूव करता हूँ इसमें देखिए हमारे पास जो पहला कोड है दैट इज वन कोलन सिक्स कोलन टू जो लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा वन होगा हमारा एंड इंडेक्स जो होगा दैट विल बी द एंड माइनस वन तो एंड एंड क्या दिया हुआ है यहाँ पर सिक्स और फाइनली इंक्रीमेंट हमारा किससे हो रहा है टू से हो रहा है तो हमें एंड माइनस वन यानी कि हम फिफ्थ इंडेक्स तक जाएंगे और इंक्रीमेंट हमारा क्या हो रहा है टू से तो बी डी एंड एफ बी डी एंड एफ सो लेट वी रन दिस कोड And check for the output. Okay, uh, let I print out all, uh, print. Uh, just a minute, let I comment in all the codes here, so you will be able to understand this more clearly. Uh, this, okay. So when I run this code, you can see the length of the string is ten. Uh, and you can see over the screen also and uh, you can see the output 162 is B D F that we were expecting as per our concept of the slicing in the Python virtual machine okay similarly hum इसका example lete hain jo abhi humne देखा है colon uh, colon colon one तो जब हम colon colon one की बात करते हैं तो आपने देखा था कि इसका begin index default होगा end index default होगा और direction में जो increment होगा आपका वो वन के अकॉर्डिंग होगा तो बिगिन इंडेक्स जो है हमारा वो क्या है वो रहेगा दैट इज योर बेसिकली जीरो एंड इंडेक्स क्या होगा आपका नाइन और इंक्रीमेंट क्या होगा आपका इस डायरेक्शन में होगा सो व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट वी शुड एक्सपेक्ट द कंप्लीट स्ट्रिंग एज अ आउटपुट तो आई रन दिस कोड कैन यू सी द ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे इज द कंप्लीट आउटपुट है नाउ नाउ सी दिस कोड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कोड सपोज इफ इफ आई आई गिव यू द क्वेश्चन

लेकिन इस कोड के अकॉर्डिंग यदि मैं देखूं तो हमारा जो डायरेक्शन इंक्रीमेंट का है वो माइनस वन है इट मीन्स इंस्टीड ऑफ इंक्रीमेंटिंग वी आर डिक्रीमेंटिंग द डेटा तो हमारा जो डिफॉल्ट इंडेक्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा आपका माइनस वन में होगा तो बिगिनिंग इंडेक्स क्या है हमारा यहाँ पर माइनस वन और एंड इंडेक्स क्या होगा हमारा दैट इज़ योर माइनस टेन तो जब हम माइनस वन से माइनस वन माइनस टू तो, माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट माइनस नाइन माइनस टेन तक तो पहुंचेंगे सो व्हेन यू रन दिस कोड सो कैन यू सी दिस कैन यू सी द आउटपुट यह दिस कोड इज मोर देन इनफ टू हैव द रिवर्सल ऑफ योर स्ट्रिंग इन द पाइथन तो ये छोटा सा कोड है जो आपके स्ट्रिंग को रिवर्सल के प्रोग्राम को बना सकता है इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट है ना अब देखिए हम नेगेटिव इंडेक्सिंग के और एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पर अब हम इस कोड को लेते हैं हमारा इंडेक्सिंग जो है इस कोड में बहुत इंपॉर्टेंट है हमें क्या समझना होगा मैंने आपको जो इंडेक्सिंग समझाई है उस इंडेक्सिंग के एग्जाम्पल्स में हमने बहुत क्लियरली डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में कि मेरे पास इंडेक्सिंग जो अलाउड है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है दैट इज अलाउड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन दैट इज अलाउड इन बिटवीन

द फॉर्वर्ड और बैकवर्ड सो वेन आई रन दिस कोड क्या हमें कोई एरर मिलेगी क्या हम कोई एरर एक्सपेक्ट कर रहे हैं नो यू विल नॉट भी एक्सपेक्टिंग एनी एरर बट यू विल नॉट हैव एनी आउटपुट क्यों क्योंकि पायथन फारवर्ड डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्सिंग को सपोर्ट करेगा वो डायगोनल इंडक्सिंग को सपोर्ट करेगा वो आपकी इन बिट बीन इंडेक्सिंग को सपोर्ट करेगा बट इट विल नॉट सपोर्ट फॉर दर्कुलर सो वेन आई रन दिस कोड सो कैन यू सी वी आर हैविंग द लेथ ऑफ स्ट्रिंग ऑनली दूटपुट एंड फॉर दिस थ्री टू सेवन माइनस एंड वी आर हैविंग नथिंग

तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा हमारे पास दैट एक्सपेक्टेड आउटपुट इज सेवेंथ इंडेक्स सिक्स इंडेक्स एंड फिफ्थ इंडेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना क्योंकि जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रॉपर तरीके से इंडेक्सिंग को फॉलो करते हैं माइनस वन इंडेक्स के साथ जो कि सर्कल नहीं है जो कि क्या है हमारी वैलिड इंडेक्सिंग है वैलिड इंडेक्सिंग के केस में हमारे पास जो बैकवर्ड डायरेक्शन में आउटपुट आएगा दैट आउटपुट

only the seven, इट मीन fifth index. तो so, ये बात बहुत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर ध्यान रखना के केस में जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने देखा मैंने कॉन्सेप्ट जो समझाया आपको वो क्या है आपका बिगिन से एंड माइनस वन तक. बट

नहीं आती है, है ना अब इसको इसको हम देखते हैं ना सो द स्टार्टिंग एंड बिगिनिंग इंडेक्स इज व्हाट माइनस फोर सो कैन यू सी हेयर द स्टार्टिंग एंड बिगिनिंग इंडेक्स इज माइनस फोर व्हाट अबाउट द एंड इंडेक्स दैट इज योर वन सो कैन यू सी द इंडेक्सिंग इन द डायगोनल वे कैन यू सी द वन एंड माइनस फोर कैन यू सी द इंडेक्सिंग इन द डायगोनल वे वन एंड माइनस फोर नाउ दिस डायरेक्शन so, में इंक्रीमेंट करते हुए है ना तो जब माइनस फोर से मैं वन वन तक जा रहा हूं माइनस वन इंडेक्सिंग में कंप्लीटली uh, इसको मैं uh, नेगेटिव डायरेक्शन में लेते हुए लेकिन जब मेरी पाइथन वर्चुअल मशीन डायगोनल इंडेक्सिंग को सपोर्ट करती है तो व्हाट इज द वैल्यू एट द माइनस फोर दैट इज जी एफ ई डी एंड व्हाट व्हाट इज द फाइनल आउटपुट एक्सपेक्टेड हियर सी क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में दैट विल बी द एंड प्लस वन तो माइनस वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू टू सो एक्चुअली वॉट इज आर माई इंडेक्स माइनस फोर टू टू तो मुझे देखना है ये जो इंडेक्स है मेरा वो इस डायरेक्शन से और माइनस फोर से जो इंडेक्स है मेरा वो ये आएगा इन दोनों के बीच में जो भी आउटपुट आने वाला है सो दउटपुट इज एफ ई डी सी सो द सेम एक्सपेक्टेड आउटपुट इज हियर फाइन सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द स्लाइसिंग है ना you can move in the forward either in the backward direction either in the diagonal direction either in between direction but you are not move in the circular direction otherwise aapke paas output nahi aata hai na ab hum is code ka output dekhte hain uh, isko pehle main comment in karta hu just a minute अब देखिए इस कोड के आउटपुट के लिए देखिए इंडेक्सिंग हमारी कहां से स्टार्ट हो रही है माइनस फोर से है ना This is what your indexing is starting from the minus फोर But your end index is what? 8. Your end index is what? 8. And you are having the negative direction. You are having the negative direction. So, minus 4.

1. Now, can you see the minus 4 to 1 and, and the minus 2 decrement? You can see minus 4 is here, 1 is here, and minus 2 decrement is we have already discussed. So we check for the output of this. So can you see this? That is simply G, E, and C that we have discussed in the previous concept. Uh ye 5 to 0. So, what is it expecting? 5 say 0 kili manga, but ऑपरेटर क्या है इसका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है सो टू रीच टू दाइव टू जीरो नॉट बी गेटिंग एनी आउटपुट फ्रॉम नाउ सी दिसन यू सी फ्रॉम टू जीरो

जीरो टू माइनस टेन वॉट इज इट मीन मैं जीरो से इंडेक्स को स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं माइनस टेन पर आ रहा हूँ है ना लेकिन मुझे पता है कि जब मैं नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होता हूँ तो इट विल बी द माइनस टेन प्लस वन दैट विल बी इक्वल टू द माइनस नाइन तो जीरो से नाइन मैं कभी भी माइनस डायरेक्शन से नहीं जा सकता मुझे सर्कुलर डायरेक्शन में आना पड़ेगा है ना सो आई थिंक देर शुड नॉट बी एनी आउटपुट सो वैन आई रन दिस कोर्ड सो कैन यू सी दिस देर इज नथिंग क्यों क्योंकि हम सर्कुलर हो गए इस कोड में फिर से नाउ चेक फॉर दिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नाउ सी जीरो इंडेक्स इज हियर एंड फाइनल इन द नेगेटिव डायरेक्शन द इंडेक्स इज माइनस टेन इज हियर बट एज पर आर कॉन्सेप्ट इट शुड बी द जीरो टू माइनस इलेवन प्लस वन सो दैट विल बी जीरो टू माइनस टेन सो इन पर्टिकुलर जीरो टू माइनस टेन दिस वन कैरेक्टर इज देयर सो वी शुड एक्सपेक्ट द आउटपुट एज अ ए या so 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 can you see this this so, to 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 that will be equal to 0 to minus 10. So, this particular character has been printed को now न यू सी दिस सो जीरो प्लस टू you will नॉट बी रिसीविंग एनी आउटपुट क्योंकि आप जीरो uh, से जीरो के बीच में ही जा रहे हैं और इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है आपका ठीक है वो आपका सर्कुलर बन गया है पूरा कॉन्सेप्ट फिर से अब हम इसके बारे में बात करते हैं Let me check for the 0 to minus 9 and minus 2 decrement. 0 is here and minus 9 is here. 0 is here and minus 9 is here. And you will move in the circular direction. So let me check for the output. Again, you are having no output here. Fine. Now we check for this minus 5 to minus 9 and minus 2. So where is the minus 5? This is the minus 5 and this is the minus 9. Yeah. Valid indexing and moving in the minus 2 direction. So you will be expecting the output of, of the step of. Now we come to these two codes also. The code is 10, minus 1, and minus 1. So you can see the indexing is 10. Can you find the indexing? Positive 10 is nowhere is the positive 10. Can you find this minus 1? Yes, from 10 to minus 1, uh, uh, you are not able to find, and uh, you are writing 10 and moving in the negative direction. You are moving in the circular direction. So when I run this code, you are expecting no output. Now finally this one is. So when you are having no this index and you are running this code and moving in the negative direction, तो आपको एक बहुत बहुत clear होना चाहिए कि ये end index से लेके हमारे two की value तक negative करके जाएगा। तो end index कौन सा है हमारा nine। तो nine से लेके two की value क्या है आपकी c, but We are moving in that negative direction, so it should not be two; it should be two plus one. So the output is two plus one, that is equal to three. That is what the reason we are having the output from G two. You can see D instead of C. So uh, can you see we have seen a lot of examples in terms of the slicing. तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर थे हमारे स्लाइसिंग पर इस वीडियो में हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन इन बिटवीन डायरेक्शन डायगोनल डायरेक्शन और हमने सर्कुलर डायरेक्शन के एग्जाम्पल भी देख लिए है ना सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ डू मोर प्रैक्टिस एंड द कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर टू एवरी मैन फॉर दिस वीडियो इट्स ओवर फ्रॉम माई साइड थैंक यू